और चलिए सीधे आपको बीना लिए चलते हैं, जहां पर लाडली बहनों को मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। लाडली बहना योजना की जो राशि है वो मुख्यमंत्री की ओर से जारी कर दी गई। सीएम मोहन यादव पार्वती का ये समय और कहा महाकाल वाले हम भी बोले महाकाल महाराज की और घर घर गाय और घर घर गोविंद गोपाल। तो अपने बीच में जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनी, बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। और गणपति बाबा का समय आया है, ये निर्मला जी ने इतना लंबा भाषण कर दिया शैलेन जी, मैं तो इनको देख देख के ही दंग रह गया। विधायक हो जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा हो हर सांस में मांग ही मांग निकल रही। मैंने कहा भैया अगली बार भी तो हुआ आज ही पूरा कराओगे, लेकिन सच्चे अर्थ में जो जनप्रतिनिधि होता है उसके अंदर ये आग चाहिए। क्यों लखन भैया गलत तो नहीं है? प्रदीप भैया हमारे बीच में, प्रदीप लारिया जी जोरदार अभिनंदन करो, शैलेन जैन जी का, बंडा विधायक जी का जोरदार अभिनंदन, और हमारे इधर से सप्रे जी का जोरदार ताली बजा करके मंच पर विराजमान हमारे हरी सप्रे जी। यहाँ इस अवसर पर ब्रजेंद्र सिंह यादव जी मुंगावली विधायक जोरदार अभिनंदन करें, और केपी यादव जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे अपने जोरदार नेता हैं। इस अवसर पर श्याम सुंदर शर्मा जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, हीरा सिंह राजपूत जी, जाहर सिंह जी, नाम तो इतने सारे हैं कि अब नाम में तो कठिन हो जाएगा, अरुण चौबे जी जोरदार ताली बजाओ अरुण जी के लिए, पारुल साहू जी के लिए, डॉक्टर श्रीमती विनोद पंथी पूर्व विधायक, धर्मू राय जी पूर्व विधायक, महेश राय जी जरा आप ताली बजाते रहो मैं नाम जरा बोल देता हूँ, और हमारे पूर्व मंत्री और खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह जी मेरे से फोन पे बात करके गए कि मेरी भी हाजिरी मानना, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। यहां अपने संजय बापड़ जी से लगा के शशि केथोरिया, उषा राय जी, लता रायकवार जी, नाम तो बहुत सा, शुभम तिवारी, लोकेन्द्र सिंह ठाकुर, मुकेश पटेल, चित्तर सिंह ठाकुर साहब, राज सिंह जी, ज्योति दुबे जी, शिव विजय हुरकड़ जी और किरोड़ी जी, 8 बार के तो मेरे को लगता है पूरे प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं होगा, 8 बार मंडल अध्यक्ष लगातार। क्या बिना, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बिना बिना के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, बिना का जो आनंद है वो बिना में ही मिलेगा। हिंदी की जब डिक्शनरी बन रही होगी, हिंदी के जब शब्द जुड़ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि बिना का क्या विकल्प हो सकता है, तो मुझे लगता है बिना का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए यहाँ इस बुंदेलखंड में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कमाल कर दिया, बुंदेलखंड वर्षों से अपनी वीरता के लिए, अपनी धीरता के लिए, अपनी कर्मठता के लिए, अपनी योजकता के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, पराक्रम के लिए आगे दुनिया में हर बार जानता था, लेकिन जो गर्दन हाथ पे लेके आगे बढ़ने वाले आला उदल के बुंदेलों की जय जयकार करने वाली धरती, आपको दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। क्या लिखा है आला उदल, एक को मारो दो मर जाए, तीजो धसेत खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरका है, मार हो तो कैसी मार हो, मरने वाला तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन जीते जीवी मरने वालों को लपेट के अपनी जान बचाने की भीख मांगे वो वीर बुंदेलों की धरती है, ये आनंद की धरती है, ये एहसास कराती है कि जीवन में परमात्मा ने एक बार जन्म दिया है तो जन्म तो परमात्मा देता है, लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ से जीने का मादा व्यक्ति खुद हासिल करता है, और
कोई सोने चांदी, कोई लोभ लालच, कोई तमाम प्रकार के आकर्षण, इसके बिना भी अगर लड़ने की कोई इच्छा रखता है तो ये बिना वाले ही कर सकते हैं। हम सबका सौभाग्य है। मैं आनंद के साथ देख रहा हूं, परमात्मा की दया से नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी पूरे बुंदेलखंड के लिए, आप यहां से लेके वहां तक 1,00,000 करोड़ की योजना है। पूरा क्षेत्र आनंद में डूबेगा। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। पूरा ये क्षेत्र कितना बड़ा, यहां से लेके आगे तक का, लखन भाई आप तक का, दमोह से आगे निकल जाएगा। लगातार कोई क्षेत्र हमारे, अपने लखन भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। इनने मांगा कि हमारे क्षेत्र में भी वो गांव छूट रहे हैं, वहीं से घोषणा कर दी। और यहां भी चिंता मत करो, मुझे बताया गया 129 गांव बीना नदी परियोजना से छूट रहे थे, उनको सबको भी जोड़ा जाएगा, कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। और आप तो और आगे निकल गए, पानी के आधार पर खेती की फसल से जीवन में ये हमारा सबका दिन बदलेगा। आप और आगे बढ़ गए, आप तो बीना रिफाइनरी लिया है मोदी जी के माध्यम से, आपसे बढ़कर भाग्यशाली कौन हो सकता है बीना वाले के लिए। इतना जबरदस्त भाग्य, 50,000 करोड़ का निवेश, और वो अकेला नहीं है, इसके बाद तो सिलसिला चालू होगा। सच्चे अर्थ में तो अभी तो ये शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से विकास की बातें आई है, आपके ये सारे ज्ञापन धरे रह जाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे समय बदला है, हमको अपनी जीवन शैली भी बदलने की जरूरत है। हमारे अपने संसाधन को भी देख करके अपने घर का प्लान बनाने की जरूरत है। विकास के मामले में हमारा मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इंच माद भी पीछे रहने वाला नहीं, पूरे देश का नंबर वन राज्य बनेगा, पूरे देश का नंबर वन राज्य बनेगा। इसलिए विकास के लिए हमारे पिछले 20 साल की सरकार ने जो नींव भरने का काम किया है, विकास के मामले में 2003 के पहले का मध्य प्रदेश लगभग 65-70 साल तक मध्य प्रदेश के जो चित्र बनना चाहिए था, दुर्भाग्य से पटवाजी की और हमारी सकलेचा जी की सरकार को पूरा समय नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस को पूरा समय मिला। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने केवल अपनी सरकार बनाने का एकमात्र एक रास्ते पे चले। इसलिए मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की अनुकूलता थी, सभी प्रकार की सुविधाएं थी, नहीं थी तो एकमात्र इच्छा शक्ति की कमी थी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोग पलायन करते थे। हमारे बुंदेलखंड के लोग कभी महाराष्ट्र की तरफ जाते, कभी उत्तर प्रदेश की तरफ जाते, कोई दिल्ली की तरफ जाते। अब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में धार झाबुआ से लगा करके महाकौशल तक, ग्वालियर चंबल से लगा करके सागर तक, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपने घर में रहेंगे, अपने खेती बाड़ी को संभालने के साथ साथ वर्तमान के दौर में आप अपने घर के अंदर कोई कष्ट आ जाए, अपनी जमीन मत बेचना एक बीघा भी। आने वाला समय आपका है, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ करके हमारा बुंदेलखंड और पूरा प्रदेश आगे निकलने वाला है। अब हम रोजगार देने वाले हैं, विकास का कारवा सच्चे अर्थों में अब हमारी धरती से निकल के जाने वाला है। इसलिए चाहे तकलीफ आए थोड़ी पैसे की, कुछ समय के लिए तो चाहे मकान बेच दो, गहने गिरवी रख दो, लेकिन जमीन बचा के रखना, जमीन मत बेचना। विकास के मामले में उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में अभी आप अंदाज लगाओ 18,500 करोड़ की, मनमाड़ से लेकर के रेल लाइन दी, जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। ये मनमाड़ की योजना जिसको इंदौर बंबई कहते हैं, वो इंदौर बंबई सच में आधी बात है, आधी ये सही है कि अब हमारी मुरैना से लगा करके ग्वालियर,
राजगढ़, गुना आपका क्षेत्र से लगा करके बंबई जाने के लिए सीधी बंदरगाह तक माल पहुंचाने का एक नया मार्ग खुला है हमारे अपने प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए हमने रेल लाइन के समानांतर सारे विकास के काम जोड़ लिए हैं। अब मध्य प्रदेश में हमारे लिए माननीय एक बार रेल मंत्री का अभिनंदन करो, अश्विनी वैष्णव जी का जोरदार ताली बजा करके, जिनने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेल नेटवर्क भी बिछाए जाएंगे। हमारे अभी तक जो थे वो थे, क्योंकि मध्य प्रदेश तो मध्य में, किसी को उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कहीं भी जाना हो तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना पड़ता है। ऐसे में बने बनाए रेल नेटवर्क के अलावा जो जो ऐसे क्षेत्र छूट रहे हैं, पूरे संभाग के लोग आप भी ध्यान रखिएगा, आपके कहीं से भी किसी क्षेत्र में अगर रेल नेटवर्क की संभावना है तो मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, दिल्ली आपके लिए तैयार खड़ी है, ताकि नए रेल मार्ग बने, नए विकास के दरवाजे खुले। बदलते दौर में, और इतना ही नहीं, ये केवल रेल चला करके विकास की बात नहीं, आने वाले समय में औद्योगिकरण के लिए भी हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर संभाग में भी विकास के मामले में, जैसे मैंने कहा है कि आप अपनी खेती बाड़ी भी बचाना, आप अपनी बौद्धिक संपदा सहित अपने बेटे बेटी परिवार के अंदर लिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उन सबके लिए हम जो हो सकता वो सरकार करेगी, लेकिन इनकी क्षमता का उपयोग मध्य प्रदेश के लिए होना चाहिए। इसलिए लगातार उद्योग की नई नई फैक्ट्री खोलने का निर्णय भी हमारे 22 तारीख को पूरे देश के और प्रदेश के सभी उद्योगपति सागर आने वाले, बड़ा भारी कार्यक्रम होगा, लाखों करोड़ों के कामकाज एक बार फिर सागर में लगाने के लिए संकल्प दिलवाएंगे।